नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और इस बार जो वीडियो है, ये वीडियो है क्लास ट्वेल्थ का प्रैक्टिस सेट, हम इसको मान सकते हैं। तो क्लास ट्वेल्थ का सेक्शन सी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स एंड री राइट। पहला है, शुरुआत में स्पेस है, दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑप्शन है ऑल, ईच एंड एवरी। ये एक प्रोवर्ब है और ये प्रोवर्ब आपने सुनी होगी कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, और ये प्रोवर्ब है। तो प्रोवर्ब की एक खासियत होती है कि वो प्रोवर्ब जैसी कही गई है वैसी ही चलती है। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो वो भी उसको भी इग्नोर किया जाता है और उसको वैसा का वैसा ही लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन है इसमें ऑल, ईच एंड एवरी, तो इसमें ऑल आएगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी प्रिफर विजडम स्पेस वेल्थ। यहाँ पर एक की वर्ड है प्रिफर। प्रिफर हमेशा एक प्रिपोजिशन, टू प्रिपोजिशन को हमेशा लेकर चलता है, फिक्स प्रिपोजिशन। तो वैसे तो देखा जाए तो बुद्धि और धन के बीच में यहाँ पर तुलना हो रही है, या फर्स्ट प्रायोरिटी जो है बुद्धि और धन से विजडम को प्रायोरिटी यहाँ पर दी गई है। तो तुलना तो हो रही है, लेकिन प्रिफर हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन टू को लेकर चलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, He has been living here space 1972। इसमें यदि हम देखें तो यहाँ पर फिर से कीवर्ड है has been living, मतलब has been plus वी फर्स्ट ing। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का प्रयोग किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर 1972 है, 1972 जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए रूम स्पेस मी बाय वार्डन। यहाँ पर फिर से हम एक कीवर्ड देखते हैं, बाय वार्डन लिखा हुआ है। बाय वार्डन जो है ये पैसिव वॉइस को इंडिकेट करता है, और पैसिव वॉइस को इंडिकेट करता है दैट मीन्स पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट है। पांचवे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई थिंक इट स्पेस रेन टूडे। मैं सोचता हूँ कि आज वर्षा हो सकती है, मीन्स प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए मे का प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग होता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए मीन्स दूरस्थ संभावना के लिए, और कांड का प्रयोग भी इसी प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ए, मे। नेक्स्ट, अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स देखे थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 डूएस डायरेक्टेड पर चलते हैं। डूएस डायरेक्टेड का अर्थ यह है कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है और ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार हमें उसको चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, चेंज द वॉइस। सेकेंड है, द पार्सल इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी सेंट बाई पोस्ट। इसमें टू और टू का प्रयोग करना है। थर्ड है, आई हैड अ बुक, चेंज इन टू नेगेटिव। सिक्स्थ है, माफ़ किया, फोर्थ है, द बैग वाज येलो डॉट द बैग कंटेंट मनी। कंबाइंड द पेयर ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज में इसको चेंज करना है। फिफ्थ है, एज सून एज ही सॉ द पुलिस ही रेन अवे, यूज नो सूनर देन। तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, उसके बाद में इसको पेपर पर हल करके अभी आपको बताता हूँ। पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, चेंज द वॉइस। अब इस सेंटेंस को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट क्रिकेट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है अमेरिका। तो इस सेंटेंस को हम लेते हैं, अब इसमें सब्जेक्ट है पीपल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट का है क्योंकि डू नॉट आया है। अब देखिए यहाँ पर मेन वर्ब को यदि फाइंड आउट करें तो मेन वर्ब है इसकी प्ले, ऑब्जेक्ट फर्स्ट है क्रिकेट, ऑब्जेक्ट सेकेंड है अमेरिका। तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट को लेकर हम बनाते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि दिया गया सेंटेंस जो है नेगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में ही इसका पैसिव होगा। जिस टेंस का ये सेंटेंस है इसके आगे वाले टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो ये डू नॉट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वो होती है इज एम आर। चलिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा क्रिकेट के साथ में इज, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड इन अमेरिका। ओके, पीपल बाय पीपल करके इसने लिखा है क्योंकि ये वेल नोन है। इसका अर्थ यदि हम देखें तो ये होगा कि पीपल
अमेरिका में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, पैसिव वॉइस होगा, क्रिकेट नहीं खेली जाती है अमेरिका में, नहीं खेली जाती है मतलब व्यक्तियों के द्वारा ही खेली जाती है और उनके द्वारा ही नहीं खेली जाती है, तो जब सब्जेक्ट वेल नोन हो तो उसको बाय करके नहीं लिखा जाता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, द पार्सल इज सो हैवी दैट इट कांट बी सेंड बाय पोस्ट। आपने पेपर में देख लिया होगा, इसमें टू और टू का प्रयोग करना है, मतलब TOO। हमने पहले ही पढ़ रखा है कि वाक्य में यदि सो दिया रहे तो सो के स्थान पर TOO और दैट के स्थान पर TO, और TO मतलब दूसरा जो सेंटेंस का पार्ट है उससे हम सब्जेक्ट और कांट मतलब इट कैन नॉट, ही कैन नॉट, सी कैन नॉट, इसको भी हम हटाते हैं। तो देखिए, द पार्सल इज इस सो के स्थान पर TOO हैवी और इस टू के स्थान पर दैट के स्थान पर TO और यहाँ से इट कांट और बी भी रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, द पार्सल इज टू हैवी टू सेंट बाय पोस्ट। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है आई हैड अ बुक, इसका नेगेटिव करना है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि दिए गए सेंटेंस में टेंस के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब चूंकि हमारा जो स्टैंडर्ड है 12th class का है तो 12th class के हिसाब से ही यहाँ पर इसको नेगेटिव करना है। तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि हेड दिखाई देता है, हेड हेल्पिंग वर्ब मानते हैं हम और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं, सब अच्छा करके क्लास एग्ज़ाम में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना होगा कि ये हेड जो है, ये हेड है हैव की सेकंड फॉर्म, हैव, हेड और हेड मीन्स सेकंड और थर्ड। तो इसको यदि हम फोकस करें, पहचानें, तो ये हेड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब किसकी प्रयोग होती है, डिड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर होगा आई डिड नॉट हैव अ बुक। ओके, फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द बैग वाज येलो, द बैग कंटेंट मनी। इसको दोनों सेंटेंस को कंबाइंड करना है रिलेटिव क्लॉज से। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि क्लॉज जो है ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है और अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि इसको हम अच्छे से पूरा क्लेरिफाई कर पाएँ, लेकिन मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक बता देता हूँ, उसके माध्यम से आपको रिलेटिव क्लॉज को सॉल्व कर लेना है। देखिए, इसमें यदि हम सब्जेक्ट की बात करें तो बैग, द बैग, दोनों वाक्यों में द बैग दिया गया है। अर्थ यदि हम निकालें तो क्या होगा, द बैग वॉज येलो मतलब झोला पीला था, द बैग कंटेंट मनी झोले में पैसे थे। तो यदि हम इसको रिलेटिव क्लास से जोड़ें तो इसका अर्थ निकलेगा द बैग वॉज येलो विच कंटेंट मनी, और इसका अर्थ होगा झोला पीला था जिसमें कि पैसे थे। तो जिसमें कि पैसे थे वहाँ पर हमें क्या कर देना है, विच का प्रयोग कर देना है। ठीक है, मतलब दूसरे बार का सब्जेक्ट है उसको छोड़कर उसके स्थान पर क्या लगा देना है, विच। तो रूल हमारा यहाँ पर होगा कि इसमें सब्जेक्ट यदि नॉन लिविंग थिंग हो तो विच का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट यदि लिविंग थिंग हो तो उसके स्थान पर क्या लगा देना है, हु। समझिए, मान लो यहाँ पर ऐसा होता कि द बॉय वाज माई ब्रदर, द बॉय सिटिंग एट द लास्ट बेंच, तो बॉय के स्थान पर हमको क्या कर देना है, हु। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, विच है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विच का। तो इसका आंसर आपको कुछ नहीं करना है, दूसरी बार जो सब्जेक्ट द बैग आया है उस बैग के स्थान पर आपको विच कर देना है। ओके, थैंक यू। फिफ्थ क्वेश्चन को लेते हैं, एज सून एज ही सा द पुलिस, इसी का दूसरा है ही रेन अवे, और ब्रैकेट में दिया गया है नो सुनर देन, मतलब दिए गए सेंटेंस दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है नो सुनर देन से। अब नो सुनर देन का यदि हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है जैसे ही, क्या अर्थ होता है, जैसे ही या फिर जो ही। ठीक है, जैसे ही उसने पुलिस को देखा वह भाग गया, और नो सुनर देन से जोड़ना है। तो हमें क्या करना है कि दिए गए सेंटेंस में जहाँ पर एज सून एज दिया गया है, एज सून एज को हटाकर उसके स्थान पर क्या लगा देंगे, नो सुनर। ठीक, तथा
नो सुनर के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और वो हेल्पिंग वर्ब आती है वर्ब के अनुसार। तो यहाँ पर वर्ब दिख रही है सा, सी सा सीन, सा मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट मतलब हेल्पिंग वर्ब डिड। इतना कर देंगे, इतना करने के बाद दोनों वाक्यों के बीच में टी एच ए एन, इस चीज को ध्यान में रखना है, टी एच ए एन देन का प्रयोग होता है, नॉट टी एच ई एन, टी एच ए एन का प्रयोग होगा। देखिए एच सुने एच के स्थान पर क्या लिख दिया, नो सुनर, ठीक। अब वर्ब के अनुसार इसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड ही। अब जब हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आए हैं तो ये जो सा है इसको फर्स्ट फॉर्म में लेके आएंगे, सी द पुलिस, दोनों वाक्यों के बीच में, देन ही वर्ब की सेकंड फॉर्म, रेन अवे। ओके दोस्तों, अब ये हमने एक्सप्लेन किया है क्लास ट्वेल्थ का सेक्शन सी प्रैक्टिस सेट के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। यदि किसी व्यक्ति को कोई किसी प्रकार की कोई क्यूरी है, डाउट है, तो वो नीचे कमेंट्स कर सकता है। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।